नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 30 अगस्त 2020 है। 30 अगस्त 2020 की बड़ी खबरें क्या है? देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 35 लाख से ज्यादा हो गई, लेकिन राहत की बात यही है कि 27 लाख से अधिक लोग स्वस्थ भी हो गए हैं। इधर बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,32,000 हो गई है, काफी कम होता जा रहा है। अनलॉक 4 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। दिशा निर्देश के मुताबिक 30 सितंबर तक स्कूल और कॉलेज नहीं खुलेंगे। इधर 7 सितंबर से मेट्रो चलाने का आदेश दिया गया है, लेकिन शर्तों के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वस्थ हो गए हैं, शीघ्र ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलेगी। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर अमित शाह को लेकर भ्रामक खबरें भी चलाई गई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बछवारा के विधायक रामदेव राय का निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। उनका इलाज पटना में चल रहा था। बिहार शिक्षा परियोजना में कार्यरत संविदा कर्मियों का सेवा विस्तार 3 साल के लिए किया जाएगा। राज्य के परियोजना निदेशक संजय कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी। बोकारो के रामगढ़ हाईवे पर बिहार के भोजपुर के चंदन चौधरी की मौत हो गई। उसकी मौत सड़क दुर्घटना में हुई। वह वहां रोजगार के लिए गया था। बिहार के लिए अच्छी खबर है, अब पटना एयरपोर्ट से वाराणसी, अमृतसर, गुवाहाटी के लिए सीधी उड़ान होगी। एयरपोर्ट प्रशासन ने नया शेड्यूल जारी करते हुए 33 जोड़ी विमानों के उड़ान की जानकारी दी है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के तहत कार्य करने वाले शिक्षकों के मूल वेतन में 15% की वृद्धि की गई है। शिक्षा विभाग ने इस तरह के निर्देश जारी कर दिए हैं। बेतिया पुलिस में कार्यरत सिपाही अरविंद कुमार सिंह की मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई। उनकी स्कूटी खड़ी ट्रक से बेतिया मोतिहारी मुख्य मार्ग पर टकरा गई। गोपालगंज के उचका गांव में एक बाइक सवार की मौत ट्रक से कुचलकर हो गई। वह झिरवा गांव का था। उसका नाम नसीम अख्तर बताया गया। इस घटना को लेकर वहां के लोग काफी आक्रोशित हो गए। गोपालगंज के ही बहरीमा मोड़ के समीप 2 ट्रकों के बीच टक्कर हो गई। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। गोपालगंज में ही एक प्रेमी को पकड़कर गांव वालों ने जमकर पीटा और उसका वीडियो वायरल कर दिया। गया शहर में आशा सिंह मोड़ पर स्कूटी पर सवार होकर जा रही एक महिला से अपराधियों ने सोने का चेन झपट लिया। पीड़ित महिला का नाम कुमारी मेनका यादव बताया गया। भभुआ शहर में DTO ने मास्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने 19 वाहनों को जब्त किया। जब्त वाहनों में बाइक और ई रिक्शा भी हैं। इस कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है। DTO राम बाबू ने कहा कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बिहार का एक प्रेमी गुजरात की एक प्रेमिका को धोखा देकर भाग गया, लेकिन प्रेमिका ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वह गुजरात से भभुआ चली आई और भभुआ में आकर थाने में इसकी जानकारी दी। पुलिस के दबाव में प्रेमी अंकित कुमार को परिणय सूत्र में बंधना पड़ा। मनिहारी में गंगा का जलस्तर घट रहा है, लेकिन कटाव बढ़ गया है। मनिहारी के गांधी टोला में कटाव काफी तेज हो गया है, लोग सहम गए हैं। खगड़िया जिले के तिलकपुर गांव के राम सुजन शर्मा की मौत पानी में डूबने से हो गई। वह बकरी का चारा लाने गया था। किशनगंज जिले के पोठिया थाना में कार्यरत चौकीदार राजकुमार हरिजन का शव नदी में तैरता हुआ मिला। वह 3 दिन से लापता था। किशनगंज जिले के टेढ़ा गाछ पंचायत में कटाव तेज हो गया है, लोग काफी परेशान हो गए हैं। चाइनीज मटर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से 378 बोरी चाइनीज मटर मिले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुहर्रम के मौके पर बिहार वासियों के लिए मंगल कामनाएं की है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी मुहर्रम के मौके पर शुभकामनाएं दी है। साथ ही आपस में भाईचारा और शांति का पैगाम भी दिया उन्होंने। इधर जदयू के सांसद संतोष कुशवाहा ने भी मुहर्रम के मौके पर बिहार वासियों को शुभकामनाएं दी है। AIMIM के नेता गुलाम सरवर आलम ने 22वीं विधानसभा के तमाम
लोगों को मुहर्रम की शुभकामनाएं देते हुए शांति, सौहार्द और भाईचारा की अपील की है। यदि बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।